गुड मॉर्निंग गाइस। बाप रे तुम। सो नाउ इट्स ऑलमोस्ट कितने बजे? 8 AM एंड ओके सो स्टार्टिंग विद टुडे इज गोइंग टू बी अ व्लॉग डे एज टुडे इज माय बर्थडे तो आज के दिन आई एम गोइंग टू फिल्म अ व्लॉग। सो आई जस्ट वोक अप एंड आई एम इन माई बेडरूम नाउ विथ माई फ्रेंड। हम लोग आए थे लाइट आउट करने के लिए पर सो के ख़त्म हो गई बात लाइट आउट की। तो अभी विल गो चाय पीने और हम लोग बाहर जाने वाले एंड उसके बाद वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू टुडे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डू चेक द होल वीडियो आउट एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। सो ना अभी हम लोग नीचे के फ्लैट में जा रहे हैं और उसके बाद खाने को जाएंगे। मार तो काना खाली मार तो हाँ भाई थे मार दीदी ने मारना को तो वाला पिल्लू थे छोटा छोटा सा पिल्लू ये वाला चिल्ला तू ये वाला चिल्ला ये जा तू ना बोलतास तू जा नहीं खा लो आता तो तुला आधी पाठ लागोयला जे पाणी थंड झालंय व्लॉग टाकणार आहे हा व्हिडिओ ठीक आहे। सी गाइस शी इज फोर्सिंग मी मग कधीपासून ठेवलंय खायला खात नाही। लेट्स गेट रेडी फटाफट से। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू वेयर दिस लेंस। अभी ये तो ऐसा कुछ वीडियो होने नहीं वाला है जिसमें मैं मेकअप वगैरह दिखाऊँ। तो दिस इज व्हाट तो बाय द वे दिस आर माय नेल्स। तो बहुत दिनों के बाद किया एंड आई एम सॉरी कि मैं बहुत इनएक्टिव थी बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे थे एंड आई वॉज लाइक क्रेविंग टू मेक वीडियोज बट आई वॉज नॉट इवन गेटिंग अ सिंगल आवर फॉर माई सेल्फ। तो येस दैट्स वाई एंड कल एग्जाम खत्म है आज मेरा बर्थडे है तो उसके लिए आई एम गेटिंग रेडी नाउ। फर्स्टली हम लोग मंदिर जाने वाले तो उसके लिए मैं ट्रेडिशनल गेटअप करने वाली हूँ। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू वेयर दिस लेंसेज दिस आर नंबर कॉन्टेक्ट लेंसेज। तो येस तो ये कलर लेंस कुछ ऐसे आई विल बी राइट बैक आफ्टर वेयरिंग दिस। आई एम बैक। तो अभी वॉट आई डू कि आई विल फटाफट से डू माई स्किन केयर विद ऑल ऑफ द डॉट एंड के प्रोडक्ट्स विच आर फ्रॉम नॉट एनी फर्दर डिले। फर्स्टली आई एम गोइंग टू यूज अ टोनर विच इज अगेन फ्रॉम डॉट एंड के एंड ना मैं अभी रिसेंटली ना लास्ट मंथ मैंने फुल वाटरमेलन का ट्राई किया था वो आपको वीडियो में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आ ही जाएगा। और इस मंथ आई एम गोइंग टू ट्राई ओनली द नाइसिनामाइड रेंज और कुछ बोलते हैं उसको डॉट एंड का। जस्ट फर्स्टली मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है यहाँ पे बहुत ज्यादा रैशेस हो गई थी बट इट्स फाइन नाउ। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू कैसे चल रहा है सबका एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा आज के ज्यादा कुछ प्लान थे ही नहीं क्योंकि प्लान बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिला था। बट अभी फिलहाल तो मैं साई बाबा के मंदिर जाने वाली और वहाँ पे मुझे सेलिब्रेट करना है ये मैंने फिक्स ही किया था। तो अभी वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मेरी दोस्त है एक और मेरा एक दोस्त है तो वो भी आने वाला है। तो हम तीनों जाएंगे और मंदिर में पहले अच्छे से वहाँ पे प्रे वगैरह करेंगे एंड उसके बाद हम लोग शाम को बाहर जाने वाले। घर पे भी थोड़ी सी पार्टी है मतलब फैमिली मेंबर्स वगैरह आने वाले। मेरी चाची लैटिन अमेरिका में रहते तो वो वहाँ से आने वाले एंड मुझे बर्थडे का बहुत ज़्यादा बड़ा गिफ्ट मिला मुझे तो टू बैग्स मिले टू वेरी। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे को बैग कलेक्शन का करना है। अभी मेरे पास मेरे कलेक्शन में कोच की बैग आ गई है आल्डो के बैग आ गई है एंड एम्फोरा के बैग आ गए। तो आई एम सो वेरी एक्साइटेड टू शो लाइक लग्जरी बैग कलेक्शन काइंड ऑफ थिंग। तो यस दैट्स इट एंड बहुत ज्यादा ब्लॉग्स आने वाले। मैं बहुत स्ट्रेस थी एक वीक ऐसा लग रहा था जैसे कि एक साल है। मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज समझ लो। तो यस दैट्स दैट। अभी मैं फटाफट से स्ट्रेटनिंग भी करने वाली हूँ। किधर गया मेरा इधर। सो मेरा ड्रेस ऐसा कुछ इसमें कलर है रेड में। शाम का भी ड्रेस रेड में एक्चुअली मेरे बट दो ओके इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर यूज करने वाली हूँ बहुत कम अमाउंट में बिकॉज शाम को भी बहुत ज़्यादा तैयार होना है तो तभी। बट मैंने ऐसा वेलवेट टाइप ड्रेस लिया कहा तो भी इमेज पॉप हो जाएगा तो मेरे दिमाग में था ही ऑलरेडी मुझे क्या लेना है फर्स्टली। बट एज आई सेड टाइम भी नहीं था मुझे पता नहीं था कि क्या लूँ ये सेटल डाउन होने के लिए थोड़ा टाइम रखते हैं तो बट आई वॉज नॉट श्योर। तो इसके लिए ऐसा दो और मेरा दोस्त का बर्थडे था अक्टूबर के मंथ में तो आई वॉज लाइक तभी मैंने मेरे लिए मतलब उसके बर्थडे के दिन पहनने के लिए दो चीज़ें लिए थे। एक लाइक मोनोक्रोमेटिक लुक था लाइक शेड्स में लिए थे टॉप एंड पैंट और एक वन पीस लिया था तो वो दोनों खाली मैंने वो ही पहना था क्या बोलते उसको क्या बोलते थे तेरा पैंट एंड टॉप ही पहना था पर वो रह गया था। तो मोस्टली आज मैं 3 ड्रेस वेयर करूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ज़्यादा फटाफट ज़्यादा बोल रही हूँ फास्ट में क्योंकि वीडियो मेरे को ज़्यादा लंबा नहीं करना है एंड एंगेज गाइस प्लीज एंगेज करो वीडियोज़ के ऊपर। अभी वी हैव टू टेक यू नो आगे बढ़ना चाहिए राइट। बहुत टाइम हो गया ऑलमोस्ट 1 ईयर कम्प्लीट होने वाला है यूट्यूब को जनवरी में। तो यस दैट्स दैट। सो नाउ लेट्स डू फटाफट से मेकअप विद द ब्लश। बहुत रैंडमली मैं मेकअप कर रही हूँ बहुत जल्दी जाना है मेरे को सामान भी लेना भाई साहब अरे दुकान अपना
दुकानचं सोड, मंदिर बंद नाही होणार ना ग? ओके, वाकडं हो गया क्या? सो लाइक दिस, मैं ऊपर भी बहुत सटल मेकअप करना है मुझे आज, करके ब्लश थोप रही हूँ मैं. एंड विद द शुगर का कॉम्पैक्ट पाउडर जस्ट एवरीवेयर व्हेन इट्स नीडेड. आई एम गोइंग टू यूज़ अ लिपस्टिक थी, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मस्कारा ट्रांसपेरेंट वाला, जिससे मैंने सुना है से मॉइस्चराइज होते हैं, मॉइस्चराइज आई डोंट नो, बट उससे ज़्यादा लैशेस थिक लगते. मैंने कर्ल किया ही नहीं, कलर कुछ गिरा, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, मैंने अच्छे से आई लैशेस कर्ल कर लिया और मस्कारा लगा दिया. एंड आई एम गोइंग टू डू अ सटल मेकअप लुक, बिकॉज शाम को करना है, फिर से मेकअप निकालने की ताकत मेरे में होती नहीं, फिर बहुत डर लगता है फेस. तो स्ट्रेटनिंग तो अभी मैं करूँगी नहीं करूँगी, इट डिपेंड्स ऑन टाइम. तो बट लेट्स सी, फर्स्ट लिपस्टिक, लिप लाइनर का हेलो का बोली आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड विच इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक. इसका शेड नंबर है 28 बेरीज ऑन आइज, अगेन ब्यूटीफुल शेड, ब्राउनिश. लेट्स ट्राई इट. और ज्यादा ही ब्राउन है माइंड. और रेड लिपस्टिक लगा दिए. एंड नाउ थोड़ा सा लाइक शेडिंग वाला लुक देने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लिपस्टिक विच इज फ्रॉम वेस्ट साइड. जिससे ज्यादा प्लम्प लगेंगे लिप्स, मेरे हैं नहीं बड़े लिप्स, तो काम चलाओ. ऑप्शन इज दिस वन. बाकी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? मुझे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं थी इस बार बर्थडे के लिए, क्योंकि एग्जाम्स थी एंड इट वाज लाइक ज़्यादा. और ना मैं किसी को भी ज़्यादा बात बोलने नहीं वाली थी बर्थडे पर, बट आफ्टर ऑल आई वाज जस्ट गोइंग विथ टू थ्री ऑफ माई फ्रेंड्स, फोर ऑफ माई फ्रेंड्स, जिनको वीडियो में आप देखोगे, फोर में बरोबर ना, तू तो, ती तो एंड मी, तो हम लोग ऐसे जाने वाले थे. तो दैट इज इट. बट फिर एक एक जन का मैसेज आता गया एंड आई वॉज लाइक, मैं अभी इनको कैसे बोलूँ कि मेरा ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है. तो मैं डी अड्डा को जाने वाली थी, यहाँ पे एक अच्छा खासा होटल है, बट देन आई चेंज माई माइंड, मैं ग्रीन लीफ या पाइन वुड जाने वाली हूँ. तो आई विल कैच यू देयर. तो फर्स्टली फटाफट से मेकअप कर लेते हैं. सो मैंने फिर से माइंड चेंज कर दिया है एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लिपस्टिक नहीं, टिकली, बिंदी टिकली. हाँ ना, तस दे लागली का मधे. हाँ बरोबर टिकली लगा दिया. नाउ लेट्स गेट रेडी. कितनी रेडी हो ना, लोग बोलते हैं कितनी रेडी होते हैं. हाउ आई लुक एंड नाउ लेट्स लाइक, चलो मेरे साथ अभी, बाय. So we are all set to go to mandir. Hi. 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 Hey Ayush. Stay to you. Happy birthday to you. Thank you.
फैशन में बोलते हैं, तो सब लोग आएंगे घर पे, गिफ्ट देंगे, पैसे देंगे, एंड उसके बाद हम लोग सब बाहर जाने वाले दोस्त एंड ऑल. मैं सुबह से घूम रही हूँ और मेरे ना पूरे अंडर आईज पे यू कैन सी ऐसा डार्क सर्कल्स आ गए और आई बैग्स हो गए. मैं सो ही नहीं हूँ, एज आई सेड कि एक हफ्ते से मैंने सोना नहीं कंप्लीट किया. सो एनीवेज, हम लोग बातें करेंगे बट मेकअप के साथ. तो बेसिकली देखो क्या ड्रेस, तो दिस इज हाउ माई ड्रेस इज, मरून वेलवेट में बहुत अच्छा है विद अ प्रेटी बेल्ट एंड सट. सो बाय द वे मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है एंड मैंने फॉक्सटेल का फेस क्लेंजर यूज किया है विच दे सेंट मी. तो यस, तो स्टार्टिंग में वॉट विल डू, मुझे आप भी स्ट्रेटनिंग भी करना है. तो बेसिकली पहले हम लोग करेंगे मेकअप एंड उसके बाद मैं सेटिंग लाइक स्ट्रेटनिंग करूंगी बिकॉज स्ट्रेटनिंग चल जाते. सो लेट्स डू फर्स्ट. सो मैं क्या बोल रही थी हाँ, तो मेरा बर्थडे वैसे घर पे ही होता था और क्रिसमस का फंक्शन था एंड वी आर लाइक हम हाँ. सो अगेन वन अनाउंसमेंट इज दैट कि हम लोग ने गोवा में हमारा सेकेंड होम लिया है. लाइक आई स्टे इन बदलापुर बट आई बिलोंग फ्रॉम गोवा एंड कर्नाटका की साइड से. तो वी बॉट देयर आर होम, लाइक पहले था वहाँ पे बट दूसरा लिया है वहाँ पे लाइक अपग्रेड एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मुझे व्लॉग निकालना था बट एज आई सेड मेरी एग्जाम चल रही थी इसके लिए मैं व्लॉग नहीं निकाल पाई एंड कुछ नहीं निकाल जाए. वी आर गोइंग गोवा एंड तभी आई एम गोइंग टू फिल्म अ व्लॉग. देन द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर इज दैट कुछ है ही नहीं शेयर करने को. तो अभी वी आर गोइंग टू होटल. तो मुझे ऐसा बहुत ऐसा यू नो शाइनी ग्लोई ग्लोई सा लुक करना है. सो बेसिकली मुझे थोड़ा ज़्यादा आज तैयार होना है बट यू कैन क्लियरली सी माई अंडर आइज क्या ही हूँ मैं तैयार है ना. बट आई विल ट्राई माई 110% कि अच्छी दिखूँ. अच्छी तो दिखती हूँ मैं थोड़ी बहुत है ना, दिखती हूँ कि नहीं. सो अगेन विद माई लेंसेज ऑन आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग इन. ये मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है. अगेन आई एम गोइंग टू सेट फर्स्ट माई अंडर आईज. तो बहुत देर हो गई है एक्चुअल में, मुझे बहुत जल्दी जल्दी तैयार होके मुझे वैक्स भी करना है एंड उसके बाद लाइक शेव भी करना है लेग्स को एंड उसके बाद मुझे नीचे जाना है, स्ट्रेटनिंग भी करना है उसके पहले. सो इट्स टू मच ऑफ वर्क इन थोड़ा सा टाइम. ओके सो दैट इज इट. अच्छा लग रहा है देख तो भी ठीक लग रहा है. इतनी आदत लग गई है रिंग लाइट के बिना मैं अभी तैयार होती नहीं. वो मेकअप वीडियोस वगैरह करते करते इतना आदत सी हो गई है यार, क्या ही करूँ मैं अभी. एंड लेट्स सी हाउ द डेज गोज आगे का. सो ऐसे कुछ है 5-6-7-8 दोस्त 5-6-7-8 ओके. तो ऐसे है, मैंने इयर रिंग्स आए थे मैं नीचे ही भूल गई. वेरी नाइस. अभी फिर से नीचे जाना पड़ेगा एंड दैट इज इट. ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे. आईब्रो करने के बाद मेरे आईब्रोज बहुत अच्छे लगते हैं, सबके ही लगते हैं बट मुझे बहुत आईब्रोज अच्छे लगते हैं. बाय द वे टेल मी अबाउट हाउ माय नेल्स लुक. ये 4 बार कॉल आ चुके हैं एंड आई एम स्टिल डूइंग माय एलेना. बस अभी ये पूरा स्प्रेड ना हो जाए बस, दैट्स ऑल आई वांट. अच्छा खासा लग गया है ना, है ना, है ना, नाइस लग रहा है, अच्छा लग रहा है. ओके ये सूखने दे भाई, फिर से कुछ होना नहीं चाहिए. सो बहुत कम टाइम बचा भाई, इतना जल्दी क्यों मेरे को याद आया मेकअप करने का. ओ माय गॉड गॉड प्लीज डू एवरीथिंग गुड, सब अच्छा हो जाए, बस यही भगवान से इच्छा है ना. बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है तो मैं डायरेक्टली आपसे मिलूँगी व्हेन आई डू माय मेकअप. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days.
a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want